नेपोलियन एंड मैसनी एंड यूनिफिकेशन वी विल कवर आफ्टर नेपोलियन बोनापार्ट. एज यू नो फ्रेंच आर्मीज अंडर द टाइम ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी आर्मीज को फ्रांस के अलावा और भी बहुत सी नेबरिंग कंट्रीज में भेजा था. जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर द नेम ऑफ कंट्रीज एंड सिटीज. अगर तो कंट्रीज आता है, विच वर द कंट्रीज फ्रांस के अलावा नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन कौन सी कंट्रीज में अपनी आर्मी को भेजा था. ठीक है, कंट्रीज सबसे पहले लिखोगे, नंबर वन बेल्जियम, राइट डाउन बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड एंड इटली. इटली, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, कंट्रीज की बात करें ना, फ्रांस के अलावा नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी आर्मी फ्रेंच आर्मीज को हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली, इन कंट्रीज में भेजा अटैक करने के लिए, क्योंकि वो एक मिलिट्री डिक्टेटर था और उसकी पॉलिसी थी इंपीरियलिज्म की, वो बाकी कंट्रीज को भी अटैक करना चाहता था. अगर सिटीज की बात करें तो सिटीज कौन कौन सी सिटीज, फेमस सिटीज कौन कौन सी थी. ठीक है, इसमें आपने बताना मिलान, मेन, मेन्स एंड वारसा. तो दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है. अगर तो आता है वेयर फ्रेंच कंट्रीज मूव अंडर नेपोलियन बोनापार्ट, तो कंट्रीज का नाम बताना है. अगर सिटीज का नाम आता है वेयर फ्रेंच आर्मीज मूव अंडर नेपोलियन बोनापार्ट, तो सिटीज का नेम बताओगे आप. नेक्स्ट इज व्हाट वाज गिल्ड सिस्टम. गिल्ड सिस्टम जिसको नेपोलियन बोनापार्ट ने खत्म कर दिया था. गिल्ड सिस्टम आपको पता है मर्चेंट्स एंड एसोसिएशंस की जो ग्रुप था, ठीक है, दैट रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ न्यू मर्चेंट्स. तो ये जो है ये अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में पड़ा गिल्ड सिस्टम और इसमें भी है, तो सेम ही आंसर इसका. देन नेक्स्ट इज, इसके बाद मैजिनी, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका मैजिनी. पैराग्राफ वाइज लर्न करोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा. मैजिनी जो थे, जोसेफ मैजिनी, इटालियन रेवोल्यूशनरी थे. ठीक है, एंड इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उनका नाम याद रखो, यंग यूरोप एंड यंग बर्न. इनका बर्थ कब हुआ, 1807. मैजिनी बॉर्न इन 1807 और प्लेस का नाम जिनेवा. प्लेस का नाम जिनेवा, 1807. देन इनके बारे में मेटरनिक ने एक रिमार्क किया था, वो आपने बताना है. Who remarked Mazzini as a most dangerous enemy? किसने कहा था इसको most dangerous enemy? हाँ, Metternich, very good. Duke Metternich ने इनके बारे में कहा था, क्योंकि Duke Metternich conservative था और Mazzini revolutionary. ठीक है, Duke Metternich conservative and Mazzini था revolutionary. अब इसके बाद ड्यूक मेटर्निक के बारे में हमने बताना और ये जो हम कवर करेंगे इसको वियना ट्रीटी. नेपोलियन बोनापार्ट के बाद 1815 में जब बैटल ऑफ वाटरलू, नेपोलियन बोनापार्ट के हार जाने के बाद फोर कंट्रीज, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, इन कंट्रीज ने कांग्रेस का मतलब होता है एसोसिएशन जो है बुलाई, जिसको बोलते हैं वियना कांग्रेस. वियना कांग्रेस भी कहते हैं एंड वियना ट्रीटी भी कहते हैं. कौन से ईयर में फाइनलाइज हुई थी ये, 1815, जिसके अकॉर्डिंग फ्रांस को डीमिलिटराइज कर दिया. और फ्रांस में कौन सा ऑर्डर वापस लेकर आए, कौन सा ऑर्डर वापस लेकर आए, मोनार्की सिस्टम, कंजर्वेटिव ऑर्डर भी कहते हैं इसको, कंजर्वेटिव ऑर्डर. और कौन सी डायनेस्टी को वापस लेकर आए,
कौन सी डायनेस्टी को वापस लेकर आए? बर्बन डायनेस्टी। वियना ट्रीटी, हु होस्टेड वियना ट्रीटी? इसको होस्ट किसने किया? ड्यूक मेटर्निक। कौन थे ड्यूक मेटर्निक? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटर्निक। ठीक है, तो ये वियना ट्रीटी के क्वेश्चंस। इसके बाद एक आपने और पढ़ा था पैराग्राफ, हैब्सबर्ग एम्पायर, याद है आपको? हैब्सबर्ग एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, अब वन मार्क के लिए इसको बताओ क्या कैसे इसको लर्न करना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो किस रिलीजन से बिलोंग करता था? ऑटोमन। ठीक है, नंबर वन, हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी वॉज पैचवर्क ऑफ डिफरेंट रीजन्स। यानी कि जैसे मुगल डायनेस्टी में उस टाइम पीरियड में अलग अलग तरह के, इंडिया में अलग अलग तरह के रिलीजन्स एंड कल्चर्स थे, इसी तरह से हैब्सबर्ग एम्पायर को पैचवर्क कहा जाता था, क्योंकि था ये मुस्लिम लेकिन इसके अंडर अलग अलग, हर एरिया की लैंग्वेज अलग होती थी, हर एरिया की लैंग्वेज अलग होने के कारण हम इसको पैचवर्क कहते हैं, पैचवर्क ऑफ डिफरेंट रीजंस। इसके बाद फिर एक ऐसा ट्रेंड आया जब हर कंट्री में लोग अपनी अपनी कंट्री में मनारकी सिस्टम को ओवर रूल करना चाहते थे। इस नए कंसेप्ट को कहा गया लिबरलिज्म। क्या कहा गया? लिबरलिज्म। अब आपको लिबरलिज्म का मीनिंग पता होना चाहिए, लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। लिबरलिज्म वर्ड जो है लैटिन वर्ड लिबर से निकला। लिबर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर? फ्री। तो लिबर्टी का मतलब क्या हो गया? अगर लिबर का मतलब है फ्री, तो लिबर्टी का मतलब फ्रीडम। क्या फ्रीडम चाहिए थी लोगों को? यस, तो इसको एक नया कंसेप्ट दिया गया लिबरलिज्म। कुछ लोग इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो है उस मानते थे, कुछ लोग पॉलिटिकल लिबरलिज्म चाहते थे, कुछ सोशल चाहते थे। लॉन्ग क्वेश्चन में हम इसको 5 मार्क्स अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म एंड एक्सप्लेन ऑल द टर्म्स, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म एंड सोशल लिबरलिज्म। 1 मार्क के लिए आपको मीनिंग याद करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म? लिबरलिज्म इज द आइडियोलॉजी इन विच पीपल दे वॉन्टेड टू गेट फ्रीडम। ठीक है, किस सेंस में? अगर तो इकोनॉमिक सेंस है, इकोनॉमिक सेंस में है फ्रीडम ऑफ मार्केट, फ्रीडम ऑफ मार्केट। मार्केट में हम क्या बेचते हैं? चीजें बेचते हैं ना, गुड्स। इसके अलावा जो लोग जॉब करते हैं, सर्विसेज। तो आप खुद सोचो उस टाइम पर हमें इकोनॉमिक लिबरलिज्म किसने डिमांड की होगी ज्यादा? बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, हाँ वो भी हो सकता है, लेबर्स। दे वॉन्टेड फ्रीडम इन इकोनॉमिक सेंस, दैट फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिजनेस जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस ना। पीपल शुड मूव फ्रीली फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर एंड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री आल्सो। सेकेंड इज पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब पॉलिटिकल राइट्स, वोटिंग राइट। लोग वोटिंग राइट चाहते थे, और क्या चाहते थे? इक्वालिटी। और क्या चाहते थे? गवर्नमेंट शुड बी यस इलेक्टेड बाय द पीपल। गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड हो, ना कि मोनार्की। गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। इक्वल, हाँ ये भी आ सकता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। ठीक है, सोशल में डिस्क्रिमिनेशन, मैन जैसे जेंडर के बीच में होता है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी इन एनी सेंस, जेंडर भी हो सकता है,
एंड इसमें रिच एंड पुअर, वैसे इसमें आए रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है, इक्वल जस्टिस, जस्टिस शुड बी गिवन इक्वल टू ऑल। तो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ऐसे इसको एक्सप्लेन करते, लेकिन वन मार्क के लिए आपको आना, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल लिबरलिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आई शुरू शुरू में, जब लोगों ने इस तरह की फ्रीडम्स की डिमांड की, उनकी कंट्री में तो मोनार्की सिस्टम होता था, तो स्टार्टिंग में किंग्स जो थे उन्होंने लिबरेशन या लिबरलिज्म जो है वो अपनी अपनी कंट्री में अडॉप्ट नहीं किया, जिसके कारण अलग अलग एरियाज में लोग अपने अपने किंग्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू हो। नाउ पीपल दे वांटेड यूनिफाइड कंट्रीज, एंड लोगों की जो डिमांड्स थी या जो भी लोग चाहते थे डिमांड्स को कंबाइन किया, लोग चाहते थे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन आए, मोनार्की सिस्टम को हटा दिया जाए, पार्लियामेंट होनी चाहिए, वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक नया ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ, लिबरलिज्म नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म भी कहते हैं। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब होता है जब लोग अपनी कंट्री के लिए कुछ भी किसी भी तरह से सेक्रीफाइस देने को तैयार होते हैं। ठीक है, इन बिटवीन एक और पैराग्राफ है, कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन। अब रिवोल्ट से बचने के लिए कई कंट्रीज ने अपनी कंट्रीज में कुछ फ्रीडम्स लोगों को दे दी। ठीक है, ऐसी ही एक यूनियन बनी प्रशिया, जिसको आज के टाइम में जर्मनी कहते हैं, पहले इसका नाम क्या था, प्रशिया। प्रशिया ने क्या किया, प्रशिया और इसके अलावा जो भी जर्मन एरियाज थे इस टाइम पीरियड में, जर्मन एरियाज, इन एरियाज में प्रॉब्लम क्या थी, सपोज ये सारे अलग अलग एरियाज थे, बचे हर एरिया की अपनी करेंसी होती थी और हर एरिया का अपना वेटिंग सिस्टम। तो आप खुद सोचो, अगर एक पर्सन ने किसी और एरिया में जाना है या किसी ने भी कहीं भी जाना है, तो यहाँ पे करेंसी कोई और, यहाँ पे कोई और, यहाँ पे वेटिंग सिस्टम कुछ और, यहाँ पे वेटिंग सिस्टम कुछ और, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको आएगी, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स की इस डिमांड को पूरा करने के लिए जॉल वेरिन एक नया, एक ऐसी कस्टम यूनियन बनी जिसने क्या किया, यस, इसमें आपने ये याद रखना है, 30 करेंसीज वर देयर, नाउ दीज करेंसीज वर रिड्यूस अप टू 2, यानी कि 30 में से 2 कॉमन ले ली गई। कॉमन का मतलब ये कंट्रीज पे छोड़ दिया गया कि उन कंट्रीज ने उन दोनों में से कौन सी लेनी, प्रशिया और जितने भी जर्मन नेशंस। ठीक है, और इसका इनिशिएटिव प्रशिया के जो किंग थे, प्रशिया के किंग ने अपने एरिया में, प्रशियन किंग, उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया। तो वन मार्क क्वेश्चन, इन विच ईयर जॉल वेरिन केम इन टू बींग, 1834, वट वॉज जॉल वेरिन, क्या था जॉल वेरिन, कस्टम यूनियन। ठीक है, दैट वॉज मेनली फॉर्म टू, क्यों बनी थी, रिड्यूस द डिस्प्यूट्स बिटवीन अमंग डिफरेंट एरियाज एंड टेरिटरीज, एंड टू इंक्रीज द इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इंप्रूव की गई। हु टुक इनिशिएटिव टू फॉर्म जॉल वेरिन, प्रशियन किंग। ठीक है, इसके बाद, और ईयर कौन सा, 1834, ये याद है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ मैटर्निक के बारे में। मैटर्निक में से मैंने बताया कि कंजर्वेटिव था ना, मैटर्निक के बारे में एक और जो है वो स्टेटमेंट उसने दी थी फ्रांस के बारे में, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। उसने फ्रांस के बारे में कहा था कि फ्रांस में कुछ भी होता ना, उसका असर कहाँ पे होता है, बाकी कंट्रीज में। कैसे होता है, ये हमने पूरा क्वेश्चन किया था अगर आपको याद होगा, By age of 1830 to 1848 is known as age of revolution.
ठीक है, ये वैसे तो हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया था, लेकिन अब हमने इसको शॉर्ट में कैसे करना, अगर हमने इसको शॉर्ट में प्रिपेयर करना है, सबसे पहले हमने फाइव रिवोल्ट्स पता होने चाहिए। फाइव रिवोल्ट्स हमने, फाइव रिवोल्ट्स कौन कौन से, नंबर वन जुलाई रिवोल्ट 1830, ठीक है, फिर ब्रसल, ब्रसल रिवोल्ट 1830, फिर थर्ड ग्रीक वॉर, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, देन फोर्थ कौन सा है, हंगर एंड हार्डशिप में, इसी को आगे टू पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर से जुलाई, फिर से फ्रांस में रिवोल्ट हुआ, ये है फ्रांस का रिवोल्ट है ना, ये फ्रांस का है, फ्रांस रिवोल्ट, फ्रांस रिवोल्ट 1848, और ये कौन सा है, सिलेशिया 1845, सेम सिलेशिया, क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग बच्चे हमने शॉर्ट आंसर्स तैयार करने हैं, पहले इनको अच्छी तरह से याद करो। लॉन्ग क्वेश्चन में हमने किया था व्हाई एज ऑफ 1830 टू 1848 इज नोन एज एज ऑफ रेवोल्यूशंस कहा जाता है। अब नंबर वन हम लेंगे जुलाई, फ्रांस में, या फ्रांस की बात करें या पेरिस की बात करें, तो फ्रांस में आपने सबसे पहले पढ़ा था 1804 नेपोलियन सिविल कोड पढ़ा, उसके बाद फिर आपने पढ़ा 1815 क्या हुआ था, बैटल ऑफ वॉटर, उसके बाद फ्रांस को किसने कंट्रोल कर लिया, ब्रिटेन, रशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया, इन्होंने क्या किया, फ्रांस में कौन सी डायनेस्टी इंपोज कर दी, बर्बन, फिर से उसका नाम क्या था किंग का, लुईस 18। अब 1815 से लेकर 1830 तक लुईस 18 कंट्री के किंग रहे, बट पीपल दे वर नॉट सेटिस्फाइड, नाउ पीपल दे वांटेड टू चेंज द मोनार्की सिस्टम, दे वांटेड टू चेंज द करंट गवर्नमेंट। तो इसको बिल्कुल शॉर्ट में हमने याद रखना है, दैट इन द फ्रांस मैनी पीपल दे रिवोल्टेड एंड दे रिप्लेस बर्बन डायनेस्टी। तो 1830 में क्या हुआ, बर्बन डायनेस्टी को रिप्लेस करके किसको किंग बना, मोनार्की अभी भी थी, किसको किंग बनाया, लुइस फिलिप, ही बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस इन 1830, जुलाई रिवोल्ट 1830, लुइस फिलिप ही बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। इसका रिजल्ट क्या निकला, जुलाई में जो रिवोल्ट हुआ, बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया, 1830 से लुइस फिलिप ही बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। तो ये हो गया जुलाई। अब जब फ्रांस में इसका असर हुआ, तो इसका जैसे मेटर्निक ने कहा था, इसका असर कहां पे होगा, ब्रसल पे भी हुआ और ग्रीस में। ब्रसल पे कैसे हुआ, ब्रसल किसकी कैपिटल है, बेल्जियम। जब ट्रीटी ऑफ वियना में ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया ने फ्रांस की अलग अलग टेरिटरीज को डीमिलिट्राइज कर दिया था, तो उस टाइम पर हमने बेल्जियम को किसके अंडर कर दिया था, नीदरलैंड। नाउ द पीपल ऑफ बेल्जियम दे वांटेड टू गेट इंडिपेंडेंस, वो नीदरलैंड के कंट्रोल से अलग होना चाहते थे। देन रिवोल्ट अकर इन ब्रसल सेम ईयर 1830 एंड बेल्जियम गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम, किसे इंडिपेंडेंस मिली, नीदरलैंड्स। ये हो गया फर्स्ट रिवोल्ट, ये हो गया सेकंड, ठीक है। थर्ड और किसी इसका असर था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पे कैसे, ग्रीक किनको कहा जाता है, हु वर ग्रीक पीपल ऑफ ग्रीस, ग्रीस जैसे इंडिया, बच्चे आवाज ना आए विनीत, जैसे इंडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन,
ग्रीस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच डायनेस्टी? ऑटोमन एम्पायर. ये क्या थे? मुस्लिम्स. टर्क्स भी कहते हैं इनको, तुर्की से जो आए. लेकिन ग्रीस के लोग क्या थे? इनका रिलीजन क्या था? देवर क्रिश्चियंस. देवर क्रिश्चियंस. देवर टॉर्चर्ड अलॉट. इनको जो ऑटोमन एम्पायर के टाइम पर बहुत टॉर्चर किया गया. दे वॉन्टेड इंडिपेंडेंस. इनका जो स्ट्रगल स्टार्ट कब हुआ? वैसे तो 1821 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है. 1821 से इनका रिवोल्ट जो है वो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ. इन बिटवीन इंग्लिश बहुत फेमस पोइट है लॉर्ड, क्या नाम है उनका? मैं जो भी बता रही हूँ ना, वन मार्क के अकॉर्डिंग है, इसको ध्यान से सुनो. लॉर्ड बायरन, ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. हाउ? ही कलेक्टेड फंड, पैसा इकट्ठा किया, मनी इकट्ठी की, ग्रीस के लोगों की हेल्प की, ग्रीक लोगों की हेल्प की, आर्टिकल्स लिखे, बुक्स लिखी, पोइम्स लिखी, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को इमर्ज किया. बट ही डाइड इन विच ईयर? यस, ही डाइड इन विच ईयर? 1824. एंड हम ये कहते हैं कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो रिजल्ट था वो नहीं निकल पाया. लेकिन इन द एंड कौन से ईयर में ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑटोमन? विच ईयर? 1832. इस ट्रीटी को क्या कहते हैं जिसमें इनको इंडिपेंडेंस मिली? बहुत इसको ध्यान से लर्न करो. ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंट, पहले कॉन्स्टेंट लिखो, कॉन्स्टेंटिनोपोल. ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल के अंडर ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर, ठीक है. और ये था थर्ड रिवोल्ट, ठीक है. हाँ, सेंटर ऑस्ट्रिया हंगरी. टर्क्स, बेसिकली टर्क्स भी कह सकते हैं उनको, तुर्की थे, टर्की भी कहते हैं, ठीक है. हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ, हंगर एंड हार्डशिप. अच्छा, अब हमने वहां तक किया था व्हेन लुइस फिलिप ही बिकेम किंग ऑफ फ्रांस. इन विच ईयर? 1830. तो 1830 से लेकर 1848 तक, इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद भी लुइस फिलिप अपनी रिस्पेक्ट जो था वो फ्रांस के लोगों में जो है वो नहीं अर्न कर पाया. तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत सी हार्डशिप का मतलब होता है पॉपुलेशन बढ़ रही थी. पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? डिमांड फॉर गुड्स. गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो उनके प्राइजेस क्या होंगे? हाई. प्राइजेस हाई होंगे लेकिन लोगों को वेजेस नहीं मिल रहे थे. वेजेस वर लो. एंड इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हार्डशिप्स का मतलब होता है पीपल दे वर नॉट गेटिंग फूड एंड दे डाइड ऑफ स्टारवेशन, हंगर. एंड लोगों ने क्या किया? लुइस फिलिप जो थे, ठीक है, दे वांटेड टू अटैक बट लुइस फिलिप फ्लेड फ्रॉम द कंट्री. वो कंट्री छोड़कर चले गए. एंड जब किंग ही चला गया कंट्री के बाहर तो उस टाइम पीरियड के फ्रांस के लोगों ने क्या किया? ईयर कौन सा था? 1848. कंट्री में क्या करवाए गए? इलेक्शंस. राइट टू वोट चेंज कर दिया मैन के लिए. पहले कितना था? 25. पहले कितना था? 25 ईयर. अब कितना कर दिया? 21 ओनली टू मैन. और एक सबसे इंपॉर्टेंट राइट जो है वो लोगों को दिया, राइट टू वर्क का मतलब होता है अगर आपके पास काम नहीं है तो गवर्नमेंट काम देगी, और अगर आपके पास काम नहीं है तो आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है. और इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप खत्म हो जाएगी. और इसके लिए गवर्नमेंट ने, यानी कि जो लोग थे, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट वर्कशॉप्स, गवर्नमेंट फैक्ट्री सेटअप की. एंड उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस में हमेशा के लिए मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया एंड फ्रांस बिकेम
रिपब्लिक, रिपब्लिक भी कह लो, इंडिपेंडेंट भी कह लो, रिपब्लिक। क्लियर। अब आ गया लास्ट रिवोल्ट, सिलेशिया। प्रॉपर से प्रॉपर लास्ट रिवोल्ट दैट इज सिलेशिया। सिलेशिया में मेनली प्रॉब्लम क्या थी, किसकी प्रॉब्लम थी ज्यादा, हु वर क्रिएटिंग प्रॉब्लम, कॉन्ट्रैक्टर्स वर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, कॉन्ट्रैक्टर्स किसको प्रॉब्लम दे रहे थे, वीवर्स। वीवर्स कौन, जो कपड़ा बनाते थे या थ्रेड बनाते थे। कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे ये हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ा हुआ सारा ना, कॉन्ट्रैक्टर्स वीवर्स को एडवांस देते थे, रॉ मटेरियल देते थे, लेकिन जब वीवर्स उसको फाइनली तैयार कर देते थे तो कॉन्ट्रैक्टर्स उनको पेमेंट ठीक है नहीं देते थे, रोक लेते थे। अच्छा, अब जब वीवर्स को एडवांस दे दिया लेकिन पेमेंट बाद में नहीं मिली, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लेबर क्लास है, पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, है ना। तो मैनी पीपल दे डाइड ऑफ स्टारवेशन, क्योंकि मेन हमारा रिवोल्ट क्या है, हंगर एंड हार्डशिप। सेम, मैनी पीपल दे डाइड ऑफ स्टारवेशन, और जब लोगों को खाना नहीं ना मिलता तब लोग मेन स्ट्राइक करते हैं, रिवोल्ट करते हैं। तो इनका रिवोल्ट कैसे था, इन्होंने किसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया, दे अटैक, यस दे अटैक ऑन द स्टोर हाउसेस, जहां पे सारी की सारी सप्लाई, कॉटन की सप्लाई या क्लोथ की सप्लाई जहां पे स्टोर की जाती थी, एंड दे बर्न द डॉक्यूमेंट्स आल्सो, जहां पे जो वीवर्स ने इनसे लोन लिया होगा उनको डॉक्यूमेंट्स को जला दिया, इनके घरों को जला दिया। बट फाइनली दे वर अटैक, वीवर्स को अटैक किया गया बाय द पुलिस, कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो पुलिस और आर्मी लेकर आए, एंड मैनी वीवर्स वर किल्ड, एंड दिस रिवोल्ट इज ऑल्सो नोन एज हंगर हार्डशिप रिवोल्ट इन सिलेशिया। ये इवेंट कौन सी डेट को हुई थी, 4 जून 1845। तो आज मैंने बच्चे 5 रिवोल्ट कवर किए हैं, 1 मार्क क्वेश्चन साइड बाय साइड डिस्कस किए हैं। क्लियर, एनी डाउट किसका।